नमस्कार मित्रों, आज मैं एक गरीब भाई का दुख दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को। ये देखिए, पैर से भी थोड़ा बहुत इनका भी पैर दिक्कत है, हाथ भी दिक्कत है, पैर से मुंह से कुछ साफ बोल नहीं पाते हैं, फिर भी ये भीख नहीं मांगते हैं। ये अपनी आजीविका चलाने के लिए एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किए हैं। आप लोग देख सकते हैं, एक कोचिया का साग है और जंगल के बीचों बीच से तोड़ कर लाते हैं, काफी घनघोर जंगल से जहाँ पर शेर रहते हैं और कई प्रकार का जानवर रहते हैं, सांप गुजार रहते हैं, वहां से तोड़ कर लाते हैं और इसका कीमत है मात्र 5 रुपया। आप लोगों को मैं करीब से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, एक कोचिया का साग इसको बोला जाता है और इसका बहुत अच्छा साग बनता है और इसका पकौड़ी भी बनाकर आप लोग खा सकते हैं, ठंडा भी रहता है और शरीर भी, जो इस समय गर्मी काफी ज्यादा है, आप लोग अगर बनाकर खाएंगे साग या पकौड़ी तो शरीर भी ठंडा रखेगा, काफी फायदेमंद का चीज है। आप लोग इसको गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, कोचिया का साग। मैं एक चीज आप लोगों से बताऊंगा जरूर, देखिए ये मुख से भी साफ बोलते हैं। क्या नाम है आपका भैया? गिगाओ। और कहाँ घर है आपका? हरियापुर। ये क्या करते हैं आप, ये बेच के अपना घर परिवार का आजीविका इसी चलाते हैं? खर्चा पूरा। देखिए साफ बोल भी नहीं पा रहे हैं, इनका पैर भी थोड़ा सा दिक्कत है, हाथ में भी दिक्कत है, फिर भी ये भीख नहीं मांगते हैं। कुछ लोग आप देखेंगे मंदिर के बाहर या कहीं और आप खड़े रहेंगे, वहाँ पर लोग लगते हैं भीख मांगने। जिनका पैर ठीक रहता है, हाथ ठीक रहता है, जवान ठीक रहता है, वो भी भीख मांगने लगते हैं। उन लोगों के लिए मैं एक संदेश दे रहा हूँ कि देखिए इनका भी दिक्कत है मगर भीख नहीं मांगते हैं। अपने परिवार का आजीविका चलाने के लिए देखिए छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस की कमी नहीं है, अगर आप लोग चाहेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर बिजनेस होगा, माइंड में बैठना चाहिए। देखिए इनके पास क्या बुद्धि है, मगर फिर भी देखिए कितना छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, ऐसा कीमत मात्र 5 रुपया है। इनसे कुछ आप जरूर सीख सकते हैं। अच्छा भैया, आप तो अपने परिवार के ऐसे खिला वाला? हाँ। अच्छा, कितना जंगल से टूटे लगे? हाँ, जंगल बहुत भीतर जंगल। अच्छा, ये तक डर नहीं लगा जंगल में बाघ से? कहीं बाघ खा ले परिवार के किया, ये नहीं डर लगा? नहीं डर। अच्छा, इसका कीमत कौन पे होगा? 5 रुपये। 5 रुपये एक मुट्ठा? ये 5 रुपये में एक मुट्ठा बेच लो, दिन भर में 100 रुपये बेच दे लो? 10 रुपये मुट्ठा। दिन भर में पूरा कितना रुपये बेच दे? 5 रुपये मुट्ठा बेचेंगे। और दिन भर में 100 रुपये बेच दे लो? 10 रुपया। दिन भर में 100 रुपया पूरा बेच दे लो? पूरा 5 मुट्ठा बेच दे रहे? पूरा बेचा दे? पूरा बेच दे? पूरा बेचा दे। देखिए आप इनके बातों को सीख देख सकते हैं कैसे बोल रहे हैं, कुछ अभी मतलब इनको उतना नॉलेज नहीं है, मगर फिर भी मैं आप लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जो लोग सक्षम है उनको आप भीख मत दीजिए, उनको कोई रोजगार दीजिए। रोजगार जैसे में कोई भी काम आप दे सकते हैं कि आप लोग काम कीजिए जब आप सक्षम है तब। जो सक्षम नहीं है उनकी तो बात नहीं मैं कर रहा हूं, मगर जो सक्षम है हाथ पैर की उनको आप जरूर कोई बिजनेस दीजिए। बिजनेस करेंगे तभी उन लोगों का भी परिवार, बच्चे जो होते हैं, अगर आप भीख मांग रहे हैं बच्चे भी देखेंगे तो वो भी भीख मांगेंगे। इसी तरह अगर आप देख रहे हैं तो उन लोगों को बिजनेस दीजिएगा कि बेटा भी परिवार को अपना कमा कर वो पढ़ा लिखा सकें और अपने जो है आजीविका चला सकें। बाकी ये भाई का मेरा छोटा सा प्रयास, मैं सोचा हूँ कि ये वीडियो दिखा दूँ ताकि लोग और ऐसे ऐसे गरीबों से सब्जी खरीदें और फल फूल जो होता है खरीदें और इन लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का अति से शेयर कीजिए। जय हिंद।